इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला खजराना थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां कलेक्शन एजेंट पर दो अज्ञात बदमाशों ने चाकू से वार कर 1,55,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात बदमाश लूट की वारदात अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर खजराना पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है। दरअसल पूरा मामला खजराना थाना क्षेत्र के तंजीम नगर का है। यहां निजी फाइनेंस कलेक्शन के एजेंट देवराज रोजाना की तरह कलेक्शन इकट्ठा करके बैंक जा रहे थे, तभी अचानक दो अज्ञात बदमाशों ने बैग छीनने का प्रयास किया और विरोध करने पर बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट पर चाकू से वार कर 1,55,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू की है। जो स्पंदन स्व सहायता समूह है, उसके जो डेली कलेक्शन करने वाले जो लोग हैं, दो युवक थे देवराज सिंह सेंधव और उनका एक साथी था। ये लोग डेली कलेक्शन करके और जा रहे थे तो दो अज्ञात युवकों ने इनके साथ लूट की है और उसके पैर में चाकू भी लगा है जान के पास में, और इनके पास करीब 1,55,000 रुपए इनके बैग में थे। वो जो अज्ञात लुटेर हैं वो लूट कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएसआर टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।